नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे पहली बुक रिकमेंड की जाती है वो पहली बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। ऑथर का नाम है एलन पीज। नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुँचे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल ही जवाब है इस बुक में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। ये बुक आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आइए चलिए देखते हैं दूसरी बुक को। दूसरी बुक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। 21वीं सदी के व्यवसाय में ये वाली बुक है का ऑथर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड जिस ऑथर ने लिखी है न्यूयॉर्क टाइम सेलिंग की बेस्ट सेलिंग बुक है उसी ऑथर की सेकंड बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा मॉडल है उस मॉडल के ऊपर 21वीं सदी का व्यवसाय के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग की तीसरी बुक को आइए देखते हैं। तीसरी बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। ये बुक भी रॉबर्ट कियोसाकी के थ्रू लिखी गई है। इस बुक में आप उन लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं तो ये बुक बहुत ही शानदार है। इसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग के क्वालिटी कंटेंट्स के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में भी ये बुक अवेलेबल है। इंग्लिश में बिजनेस स्कूल के नाम से है और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इन चारों बुक्स को मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उनसे ले सकते हैं। पहली बुक का नाम है सवाल ही जवाब है जो एलन पीज के थ्रू है। दूसरी बुक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का है। तीसरी बुक है बिजनेस स्कूल, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी के थ्रू लिखी गई है। चौथी बुक है बिजनेस स्कूल जो इंग्लिश एडिशन है बिजनेस स्कूल का। इन चारों बुक्स में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही शानदार से समझाया गया है। तो इन चारों बुक्स को लेने के लिए परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। इन चारों बुक्स की क्वालिटी अच्छी है, मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी है। ये चारों बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो इन चारों बुक्स को दिए गए लिंक से क्लिक करें और अमेज़ॉन से इनको खरीदिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।